संसद में आज दंगल हुआ। आज का दंगल संसद के राजनीतिक अखाड़े में चल रहे धोबी पछाड़ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया। प्रधानमंत्री 85 मिनट तक बोलते रहे, विपक्ष के सांसद भी पूरे 85 मिनट तक नारेबाजी करते रहे। 3 दिनों से संसद में अडानी के मामले पर हो रही राजनीतिक हमलों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीचड़ और कमल की उपमा के साथ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के मुद्दों को कीचड़ और सरकार के विकास के कामों को कमल बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर संघीय ढांचे पर हमले के आरोप लगाए तो दूसरी तरफ यह भी पूछा कि नेहरू का सरनेम लगाने से आज उनके खानदान के लोग क्यों डरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को विज्ञान विकास तकनीक का विरोधी बताया और स्वयं पर देश के बढ़ते विश्वास के दावे किए। लेकिन कल लोकसभा में 88 मिनट और आज राज्यसभा में 85 मिनट के कुल भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी विवाद पर कुछ नहीं कहा। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या अडानी के मामले पर विपक्ष के प्रश्नों के उत्तर सरकार को देने चाहिए? क्या अडानी विवाद में सरकार की चुप्पी किसी को बचाने का प्रयास है? क्या अडानी विवाद के कारण बजट सत्र में जरूरी चर्चा बाधित हो रही है? ऐसे विभिन्न प्रश्नों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बजट सत्र में संसद से सड़क तक भयानक सियासी संग्राम। मुद्दा अडानी पर हिंडनबर्ग के खुलासे का है, मांग जेपीसी जांच की है और अखाड़ा संसद के दोनों सदन बन चुके हैं। इस अखाड़े में अब अनोखी दहाड़ दिखी। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब दे रहा है। आज इन्हें जवाब दीजिए, एक कन्विक्शन के कारण चलाओ। देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूँ और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग अंश के अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में पीएम मोदी ने सवा घंटे से ज्यादा लंबा भाषण दिया और पूरे भाषण पर विपक्षी दल के सांसद नारेबाजी करते रहे। विपक्ष की नारेबाजियों के बीच पीएम मोदी अपनी सरकार के कामकाज गिना रहे थे, सरकार के लक्ष्य बता रहे थे और निशाने पर कांग्रेस पार्टी को ले रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में अपने भाषण के शब्दों को हटा दिए जाने पर राज्यसभा में गंभीर आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की। गुजरात में बच्चों के कुपोषण का बयान देने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीएम मोदी के निशाने पर थे। इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। बार 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 उनका दर्द झलकता है और मैं तो हैरान हूँ, कभी कभी यहाँ तक कह देते हैं एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। क्या रोजगार की भी चर्चा हुई? मैं हैरान हूँ कि जो अपने आप को सबसे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन का दावा करते हैं, इनको ये मालूम नहीं है
कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। जिनको नौकरी और रोजगार का फर्क समझ नहीं है वो हमें उपदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आर्टिकल 356 का सबसे अधिक 90 बार इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए संघीय ढांचे पर हमले वाले आरोपों का जवाब दिया और संसद में चल रही नारेबाजी के बीच कीचड़ और कमल वाला शेर भी पढ़ा। उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए की लूट के कारणों पर सवाल पूछ रहा है और ये पूरा बजट सत्र इसी मुद्दे पर जारी सियासत की भेंट चढ़ता दिख रहा है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।